अभी अभी मैं वर्कआउट करके आया हूँ। और पता है जी वाली अलमारी है, ठीक है, वो वाली अलमारी है और दो वहाँ पे जो अलमारी रखी है, ठीक है। और सोचो अभी इतनी सारी जो अलमारी हैं, ये जितनी भी रखी है ना, ये सब खोली जा चुकी है, ठीक है। और ये अलमारी अभी रखी है, मतलब कम से कम 15 दिन से ज़्यादा हो गए ये अलमारी खुली नहीं रही है। एक अलमारी खोलने में टाइम कितना लगता है? कम से कम आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा, उससे कम तो लगता ही नहीं, नहीं तो एक एक घंटा भी लग जाता है। चलो इसको भी खोलते हैं, देखते हैं। एक अलमारी आज खोलने का टारगेट है तो इसको भी खोलते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या प्लान बनता है। चलो बाय। अभी धूप निकली थी भाई, बिन मौसम की बारिश स्टार्ट हो गई। अभी मैं अलमारी खोल रहा था तभी धूप निकली थी, अब बिन मौसम की बारिश स्टार्ट हो गई। जी हेलो, मौसम का कुछ पता ही नहीं चल रहा कि मौसम का हो क्या रहा है। एक अलमारी खुल गई है, अब कुछ काम बचा है। देखो काम क्या है, ये वाली बोरी, ये बोरी, ये बोरी तो हमको पहुँचाना है स्टोर रूम में। मतलब तो ये सब सामान हमारा पहुँचेगा स्टोर रूम में, क्योंकि इन सब में मतलब सामान कुछ ऐसा है नहीं है, लकड़ी वगैरह ऐसा कुछ भरी हुई है इस वाले कमरे के अंदर। तो गाइस, मैं और ये दोनों आ गए मजदूरी करने के लिए मतलब ITI। मैं सोचा कि आज जा रहे हैं ITI तो उसका भी व्लॉग कंटिन्यू कर दें। और हाँ, इससे जो पहला वाला पार्ट है वो कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अच्छा था वो भी पार्ट। जितने भी ITI होते हैं पता है सब जंगलों में बने होते हैं, मतलब कहीं के भी ITI होंगे सब जंगलों में बने होंगे, एक से एक के दूर, मतलब ऐसा लगेगा कि कुछ है ही नहीं है। ये भाई इतना जंगल में बना है कि पूछो मत, सब जगह जंगल ही जंगल है यहाँ, ऐसा ही सिस्टम रहता है यहाँ। लगो का पहला दिन है और मेरा शायद पांचवा या छठवा दिन है, मैं तो जाता भी नहीं हूँ पता नहीं। और पता है मेरी ट्रेड सबसे अच्छी ट्रेड है, मेरे को मैकेनिक बनाना सिखाते हैं, गाड़ी पंचर उंचर जो भी सिस्टम वो कैसे बनाना है, इसको चक्का ठीक करना बताते हैं कि चक्का कैसे ठीक होगा। क्यों सही कह रहा हूँ? हाँ तो कुछ बोलना चाहोगे सर? नहीं कुछ बोलिए। बढ़िया है भाई, बढ़िया, सब बढ़िया। तो चलो चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या सिस्टम होता है और देखता हूँ व्लॉग कंटिन्यू कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि ये भी एक रिस्क का काम है भाई। यहाँ पे हम लोग को अंदर ले जाते हैं, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये चीज़ इसके अंदर हमको मैकेनिक बनाते हैं भाई। सो चलो चलते हैं अंदर, ठीक है, बाय। अब है जो है वो समा है। तो गाइस आज इनके लोहा कट जाएंगे तो फिर मेरी बारी आए, क्योंकि मुझे भी लोहा काटना है। बड़ा मेहनत है भाई लोहा काटने में, कसम से बहुत मेहनत है।
भाई इतनी मेहनत तो जिम में नहीं है कसम से। क्या बात, मतलब बहुत मेहनत है कसम से भाई, इतनी मेहनत कसम से जिम बनी है, जितनी मेहनत करोगे तुम एक दिन सफलता के रास्ते में चल पाओगे, कोई मतलब नहीं है। बहुत मेहनत भाई कसम से, अरे बहुत मेहनत, मतलब मुझे काटे के जरूरत नहीं है। तू ही नहीं काटे के कहे, 2 and 3 मिलो वाले को नहीं काटे के। कौन सा मैं फोर्थ माइंड क्या होता है, लोगों ने कहा यार तुम्हें। कट जाओ चाहे पूरा, ये देखो कि हर लेटर के नाम रखे हुए हैं यहाँ पे, तो देख लो, मतलब जिसको जो लेटर चाहिए वो देख लो, जो जिसके नाम का। भाई आर राघव तिवारी, इसलिए मेरा लोहा देखो, उसको मैंने काटा भाई पूरी मेहनत से। बिल्डर है भाई, मेरा लोहा है, मैंने काटा इसको। तो गाइस चलो, लोहा हुआ कट गया भाई, 2 घंटे लगे इसमें काटने के लिए, तो लोहा कट गया। अब चलते हैं, थोड़ा चने वने लाया था मैं, चने वने खा लेते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं घर चलना है कि नहीं चलना, ठीक है? तो चलो बाय। अगर कोई स्कूल कॉलेज भी जा रहा है ना भैया, टाइम है बर्बाद कर रहा था कसम से। अगर मतलब कोई स्कूल कॉलेज जा रहा है, ठीक है, इसकी वजह मेरे हिसाब से उसको पता है कंपटीशन की तैयारी कर लेनी चाहिए, किसी हिसाब की कुछ ना कुछ मतलब स्किल सीख ले, मतलब कोई किसी ना किसी स्किल में ध्यान दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। स्किल स्कूल, मैं तो आज ITI था, मैंने देखा भाई अलग ही, मतलब क्या चल रहा है कुछ सोचा ही मतलब बढ़िया, अपना 3-4 घंटा कोई कंपटीशन की तैयारी वगैरह में दो, ज़्यादा सक्सेस रहोगे और अच्छे से रहोगे, समझे।